अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ अपने प्यारे से विलेज की प्यारी प्यारी सी मेमोरीज जो हैं शेयर करूंगी। आई होप कि आप सभी को बेहद ही पसंद आएंगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है। तो चलिए इस मज़ेदार प्यारी सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम अपने घर के बाहर आए हुए थे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे आम जो हैं आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है आम छोटे हैं, इस ईद पर जो है आम बिल्कुल ज़्यादा छोटे थे। पिछले ईद पर जब हम आए थे तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे से आम जो थे वो थोड़े सा खाने में अच्छे लगते थे, तो हमने इनकी चटनी वगैरह बना के भी खाई थी। और यहाँ पर लेमन जो है आप देख सकते हैं हमारे कितने प्यारे प्यारे से लेमन है। और अक्सर आप लोग मेरी वीडियोस में देखते होंगे मेरे पास इतने बड़े बड़े लेमन होते हैं, तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ और माशाल्लाह से उधर मुझे इतना अरसा जो है ये काम आ जाते हैं। कितने प्यारे से लग रहे हैं आज। माशाल्लाह बाहर का मौसम भी बहुत ही प्यारा सा है, इसीलिए हम बाहर जो है इंजॉय करने आ चुके हैं। और घर में जो है हमारे लिए खाना तैयार हो रहा है इंशाल्लाह, वो भी मैं आप लोगों के साथ। छोटी छोटी सी जो मेमोरीज होती हैं ये प्यारी सी हमारी ज़िंदगी के बहुत ही प्यारे प्यारे से लम्हात होती हैं, जो कि हमें बाद में बहुत ज़्यादा हम इनको मिस करते हैं। क्या आप लोगों का विलेज भी है? अगर आप लोगों का है तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में, आप लोगों का इससे प्यारा विलेज है या इससे कम प्यारा विलेज है, तो आप लोगों ने मुझे लाजमी से बताना है। और आप लोगों को मेरा प्यारा सा विलेज कैसा लगा है कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। यहाँ पर तंदूर में आग जलाई जा रही है रोटियाँ बनाने के लिए, और साथ ही किचन में जो है सालन तैयार किया जा रहा है। और आप लोग जितने भी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा लें, जो आप लोगों के लिए प्यार मोहब्बत से आपकी अम्मी के घर जो है खाना तैयार किया जाता है, यकीन माने इसका टेस्ट आप लोगों को ज़िंदगी में कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि आप लोगों की सिर्फ अम्मी के रेस्टोरेंट में ही मिल सकता है। अल्लाह ताला हर सब की माँ को जो है सलामत रखे। पिछले साल हमने यहाँ पर आकर जो है आम का बहुत ही मज़ेदार यमी किस्म का सालन बनाया था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ऊपर आई बटन में इसकी लिंक आ जाएगी, आप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और लाजमी से वॉच कीजिएगा। आई होप कि आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा। और अभी खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को एक और बहुत ही प्यारी सी वीडियो शेयर करूँगी, जो कि हमारे लिए कराची से इतना प्यारा गिफ्ट आया है और इतना यूनिक गिफ्ट है। आप लोगों ने इस तरह का गिफ्ट ज़िंदगी में नहीं देखा होगा और आई होप कि आप सभी को बेहद ही पसंद आएगा।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वगैरह जो है खा लिया था, बहुत ही मज़े का खाना बना हुआ था। और अभी जो है हम घर के बाहर आए हुए हैं, जो कि हम अपना गिफ्ट रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। और आज माशाल्लाह बाहर का मौसम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, आज घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, दिल करता था इस तरह का मौसम जो है बस देखते रहें, इंजॉय करते रहें। और यहाँ पर जो है हमने अपना गिफ्ट जो है रिसीव कर लिया है, जो कि हमें कराची से रिसीव हुआ है, हमारे एक भाई ने भेजा है। और आप लोगों को अभी ओपन करके इसको दिखाएँगे। यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसकी आवाज़ को जो है म्यूट कर दिया था। सो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच करना है और हमें बताना है कि आप लोगों को हमारा गिफ्ट कैसा लगा है। ये गिफ्ट हमारी एक प्यारी सी सिस्टर ने, हमारे जो कि कराची में रहती है, उन्होंने हमें भेजा है। थैंक यू सो मच सिस्टर, उन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए नहीं बोला था, सो अगेन थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जो है हमने फ़र्स्ट टाइम कराची हलीम वालों के आइटम्स जो है हमने ट्राई किए थे। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप इनको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इनके यहाँ पर जो है मिक्स फ्लेवर्स थे, और आप लोग लाजमी से बताइएगा इन सब फ्लेवर्स में से अगर आप लोगों ने कोई भी ट्राई किया तो हमें फ़ीडबैक लाजमी से दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को मेरी ओवर वॉइस से भी पता चल रहा होगा कि विलेज में कितना ज़्यादा शोर होता है, और यहाँ पर आप लोगों को हर तरह के साउंड जो है सुनने को मिलते हैं, जो कि आप लोगों को सुनने में बुरे नहीं लगते, अगर फिर भी आप लोगों को अगर डिस्टर्ब कर रहे हो तो इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा अपना व्लॉग जो है यहीं पर ही ख़त्म करके जाऊँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिटी में हमें इस तरह के व्लॉग बनाने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। और यहाँ पर जो है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बड़ों से भी ज़्यादा बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इसके अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पर क्योंकि मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ तो साथ साथ जो है मुझे सारे डिब्बे के अंदर जितने भी फ्लेवर हैं शायद मुझे जो है दिखाने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो आप इस तरह से देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बीफ हलीम है, और यह इतनी कमाल की थी। अगर आप नॉन स्पाइसी चीज़ें पसंद करते हैं, खाने पसंद करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट है। और ये यहाँ पर जो है ये मटन कोना था, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही कमाल का था। यहाँ पर हमने सारे बॉक्स जो है निकाले, और माशाल्लाह इन सब का फ्लेवर जो है बहुत ही कमाल का था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, अगर आप लोग खाना चाहते हैं तो आप लोग जाकर लाजिम से इनको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इनको ट्राई किया है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा आप लोगों को इस तरह के आइटम्स किस तरह के लगते हैं। और आई होप कि ये मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी से किया करें, यह आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस किया करें, ताकि मेरा हर व्लॉग जो है टाइम पर आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं न्यू और मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।